हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 12.1 से क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 9th हीरोज फॉर्मूला से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर? एक ट्राइंगल है साइड, उसके हमें तीन साइड गिवन है। साइड कौन सी है? 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि एक हमें ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया जी आपका ट्राइंगल। ठीक है जी, इसे नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो इसकी एक साइड होगी जी आपकी 35 सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड इज गिवन है 35 सेंटीमीटर एंड द सेकंड इज 54 सेंटीमीटर एंड द थर्ड एंड लास्ट एक्सिस लास्ट साइड यानी कि थर्ड साइड क्या है आपको 61 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, यानी कि हमें इस पर एल्टीट्यूड डालना है और हमें बताना है सबसे छोटा एल्टीट्यूड स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड कितना होगा, उसके मेजरमेंट हमें बतानी है वो कितना होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसे हम दो पार्टों में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो क्या करेंगे, एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे? हीरोज फॉर्मूले को यूज करके निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हीरोज फॉर्मूले क्या आपका स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है कि जी एस की वैल्यू क्या है। एस क्या है आपका? सेमी पैरामीटर है, इसे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसे यहां पर साइड में इसे निकाल लेता हूं। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, यानी सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइड बाय टू। तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स करते तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस 54 प्लस 61 अपॉन टू। ठीक है ना, अब हम सबको ऐड कर देंगे, 35 प्लस 61 प्लस 54 अपॉन 2 अगर हम करते हैं तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, 150, और इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 75, यानी कि 150 अपॉन 2 डिवाइड 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा 75, यानी कि सेविंग पैरामीटर क्या आ गया आपका 75। ठीक है, तो एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, वो क्या आई है आपकी 75 हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब इस S की वैल्यू को पुट करेंगे हम हीरोज फॉर्मूले में और यहां से अपना एरिया फाइंड आउट करना है हमें, तो उसे भी निकाल लेते हैं। S की वैल्यू क्या है, 75, और फिर 75 माइनस ए यानी फर्स्ट साइड। तो फर्स्ट साइड क्या है आपके, 35 है, क्वेश्चन में गिवन है, दे दीजिए। तो 75 माइनस 35, बिल्कुल जी, सेकेंड 75 माइनस सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल 54, ये भी हो गया, और 75 माइनस थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल 61। ओके ओके, लीजिए 75 अपॉन, अच्छा 75 माइनस 30 अगर हम यहां से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 40 हो गया। 75 माइनस 54 करता हूं तो क्या मिलेगा, 21 हो गया जी। और फिर 75 माइनस 61 इज इक्वल टू 75 माइनस 61 करता हूं तो क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया जी 14। अब क्या करते हैं, सबका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, यानी सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करता हूं, यानी 75 इंटू 40 इंटू 21 इंटू 14। ठीक है, अगर इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, हमारा ये आएगा 8,82,000। ठीक है ना, देखिए आपका समय बचाने के लिए मैंने इसकी कैलकुलेशन पहले से करी हुई है। ठीक है, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो क्या आएगा आपका, 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया जो था इस ट्राइंगल का वो आपको आ चुका है 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब जब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो देखो एरिया फाइंड आउट हो गया। अब बात करते हैं, यानी कि हमने अपना फर्स्ट जो पार्ट था क्वेश्चन का वो जी हमने कंप्लीट कर लिया, बीट कर लिया हमने अपना फर्स्ट टारगेट। ठीक है, क्योंकि हमने इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। एरिया आ गया आपका 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करना है क्योंकि दो पार्टों में हमें निकालना है, तो सेकंड अब आपका टारगेट है, इसे भी अचीव करना पड़ेगा। अब हमसे कहा गया है कि इसका स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं हम इसे, परपेंडिकुलर या इसकी हाइट भी कह सकते हैं, तो वो भी हमें कौन सी निकालनी है, सबसे स्मॉलेस्ट निकालनी है।
तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल जो भी होगी वहां से जो भी एल्टीट्यूड आएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है इसकी, 61। तो 61 पे जो भी आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहां से 54 से करता तो वो भी इससे वो स्मॉलेस्ट नहीं होता, वो इससे ज्यादा हो जाएगा। और सबसे स्मॉलेस्ट साइड से जो डालोगे, और सबसे स्मॉलेस्ट साइड की थी 35, अगर यहां से आप परपेंडिकुलर निकालते, या अगर इस डायग्राम को हम थोड़ा सा मूव कर लेते और तो हम निकालते इसका एटीट्यूड, अगर हम निकालते तो स्मॉलेस्ट साइड का सबसे बड़ा एटीट्यूड होता है, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट साइड का सॉरी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका सबसे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होता है, यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 61। तो यहां से हम एल्टीट्यूड निकालेंगे तो इसे मैं मान लू डी। तो यानी अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अपने क्वेश्चन में एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एडी की, ध्यान रखिएगा। तो अब निकालते हैं हम एडी, यानी कि स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड निकालते हैं तो यहां से फिर से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, या क्या कह सकते हैं हम, हाइट, दोनों चीजें बोल सकते हैं एक ही बात है, या परपेंडिकुलर साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 939.14 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है बीसी, और इसकी वैल्यू क्या है 61, तो हो गया 61 इंटू एल्टीट्यूड क्या है आपका एडी, ठीक है। अब अगर मैं यहां से एडी की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखिए एडी इज इक्वल टू 939.14 अपॉन 61 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका एरिया है यहां पर अगर मैं 2 से क्या करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहां पर, ठीक है ना, और फिर क्या करेंगे 61 से इसे डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इनकी कैलकुलेशन करता हूं तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, हमें यहां से आंसर मिलेगा 30.79 सेंटीमीटर, क्या मिलेगा 30.79 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट जो इसका एल्टीट्यूड जो है सबसे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 30.79, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.1 हीरोज फॉर्मूला, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में।